नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा, कीट विज्ञान विभाग में कार्यरत वैज्ञानिक, कीट विज्ञान विभाग के अनुसंधान क्षेत्र में आपका अपने साथियों के साथ स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कीटनाशकों का सुरक्षित एवं उचित उपयोग कैसे किया जाए। आज तक के हमारे इस वेब पेज पे प्रसारित अलग अलग जो हमारे एपिसोड प्रसारित हुए, उनमें आपको बताया गया कि कीटनाशक या बीमारियों जैसे फफूंद या किसी भी बीमारी के प्रचार या के लिए हमें किस तरह से किस किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए, पर उनका सुरक्षित उपयोग बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे उनका सुरक्षित एवं उचित उपयोग करें। सबसे पहले किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किस तरह के कीट के खिलाफ उस कीटनाशक को प्रयोग में ला रहे हैं। कीट वो प्राणी है जिसकी अपनी प्रौढ़ अवस्था में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगें होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी जो प्रौढ़ है, जो मक्खी शहद इकट्ठा करती है, वो उसके 2 पंख होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं और 3 जोड़ी उसकी टांगें होती हैं। और उसकी जो युवा अवस्था है वो उस कॉलोनी के अंदर होती है, जिसे हम सुंडी या ग्रब कहते हैं। तो इस तरह के जो भी जंतु हैं उन्हें हम कीट कहते हैं, और उनको रोकथाम के उपयोग में जो दवा लाई जाती है उसे कीटनाशक कहते हैं। तो किसी भी कीटनाशक के चयन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह के कीट के लिए उसको उपयोग में ला रहे हैं। क्या वो कीट पत्ते खाने वाला है, जड़ में सुराख करने वाला है, तने में सुराख करने वाला है, पत्तों के अंदर सुरंग बनाने वाला है, या पत्तों से रस चूसने वाला है। उसी की जानकारी के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस वक्त हमें स्प्रे करना है कीटनाशक का। जब हमें ये सब जानकारी होगी फिर हम देखेंगे कि इसके उपयोग कौन सा हम कीटनाशक लाएंगे जो इसकी रोकथाम एक उचित तरीके से कर सके। अब कीटनाशक के चयन के लिए हमें ख्याल रखना है कि CIBRC एक भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जो कि कीटनाशकों का अनुमोदन करती है। हमारा विश्वविद्यालय भी उन्हीं कीटनाशकों का अनुमोदन करता है जो कि CIBRC द्वारा अनुमोदित होते हैं। सिर्फ उन्हीं कीटनाशकों का प्रयोग हमें करना चाहिए, अन्यथा हमें नुकसान भी हो सकता है। अब जब हमें पता लग गया कि कौन सा कीट है, हमें कौन सा कीटनाशक उसके लिए प्रयोग में लाना है, तो हमें वो कीटनाशक ही बाजार से लाना है और उसका उचित डोज, मतलब कितनी मात्रा हमें उसकी डालनी है, वो भी CIBRC ने अपने अनुमोदन में बताया होता है। हमें वो अनुमोदित उसकी मात्रा ही प्रयोग में लानी होती है। अगर हम उस मात्रा से कम या उस मात्रा से ज़्यादा का प्रयोग करेंगे तो वो एक तो कम मात्रा में प्रयोग करने से हमारा पैसे का नुकसान हो रहा है, दूसरा वो कीट को मैनेज या उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तीसरा हम अपना समय भी बर्बाद करेंगे। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा या अनुमोदित मात्रा से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग करेंगे वो भी हानिकारक है, वो भी तरह तरह से हमारे को नुकसान पहुँचाएगा। जब हम उससे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो उसके अवशेषों की हमारे को समस्या से रूबरू होना पड़ेगा, हमारे वो पर्यावरण को भी दूषित करेगा, उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य की भी हानि करेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना होता है कि जब हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं हमें किस समय कीटनाशक का प्रयोग करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कीटनाशक कोई भी है, हमें वो उस वक्त प्रयोग में लाना है जब हवा की जो स्पीड है या वायु गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा ना हो। इसके लिए हम कोशिश करें कि सुबह सूर्य के उदय होने से पहले या शाम को सूर्य अस्त होने के बाद यदि हम कीटनाशक का प्रयोग करें, उसको स्प्रे करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। छिड़काव के लिए उपयुक्त समय यही रहेगा। दूसरा हमें यह ख्याल रखना है कि हमारा टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो जो हमारे कीटनाशक की मारक क्षमता है उनकी डिग्रेडेशन, मतलब उनका टूटना जल्दी शुरू हो जाएगा। कीटनाशक की एक
समय सीमा है जितने समय तक वो असरदायक रहता है, और हमें यह ख्याल रखना है कि हम उसे उपयुक्त समय में ही प्रयोग करें। हमें कभी भी कीटनाशक का प्रयोग किसी कीट के आने से पहले नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक इकोनॉमिक इंजरी लेवल एक मापक है और एक इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल मापक है। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल वो मापक है जिसमें वो कीट हमारे को इतना नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है कि हमारे को वित्तीय घाटा होना शुरू हो जाए। जब हमें वो वित्तीय घाटा होना शुरू हो जाए उसी वक्त हमें कीटनाशक का प्रयोग करना है, अन्यथा एक या दो कीट अगर हमारे को अपनी फसल में नजर आ जाएं या कीट नहीं है तो कीटनाशक का प्रयोग ना करें, क्योंकि कोई भी कीटनाशक पहले अप्लाई करने के बाद में असर नहीं करेगा। जब कीड़ा मौजूद है तो ही वो स्प्रे करें और वही उसको मारेगा। दूसरी बात, जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं हमें ये ख्याल रखना है कि फूल खेत में ना खिलें, फूल खिले ना हो खेत में, क्योंकि फूलों पे परागण के लिए मधुमक्खियां और दूसरे हमारे कीट आते हैं जो कि उससे मर जाएंगे, तो उस अवस्था में हमें स्प्रे नहीं करनी चाहिए। अब बाजार में मौजूद जो कीटनाशक हैं उन पे एक त्रिकोण का निशान आपको इस तरह से नजर आएगा, जैसे इसमें आपको लाल त्रिकोण नजर आ रहा है, ये अत्यंत जहरीला होता है, बहुत ज्यादा जहरीले, जो सबसे ज्यादा जहरीले कीटनाशक हैं उनमें लाल त्रिकोण बना होता है। इससे दूसरा जो त्रिकोण रहता है वो पीले रंग का है जिसे हम अत्यधिक जहरीला मानते हैं। लाल त्रिकोण वालों की अगर मैं बात करूं तो उसका एक उदाहरण मोनोक्रोटोफॉस है जो अत्यंत जहरीला होता है। पीले वालों में अत्यधिक जहरीले में कार्बरिल हमारा एक इंसेक्टिसाइड है, वो पीले त्रिकोण में आएगा। तीसरा त्रिकोण जो है हमारा नीले रंग का त्रिकोण होता है जो कि अधिक मारक क्षमता वाले या अधिक जहरीले होते हैं, इसमें हमारा मेलाथियोन एक इसका उदाहरण है। और चौथा उदाहरण हमारा हरा त्रिकोण है जो आम तौर पे जो हम घर में मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे यूज करते हैं या फंजीसाइड जो यूज में लाते हैं उनमें हमारा ये हरे रंग का त्रिकोण मिलता है। जैसे ये बेविस्टिन में आप देख रहे हैं जिसमें कार्बेंडाजिम है उसमें ये हरे रंग का त्रिकोण है। तो कीटनाशकों का चयन करती बार हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि ये अत्यंत जहरीला है, अत्यधिक जहरीला है या मॉडरेटली मतलब कम जहरीला है। जहरीले तो ये सब हैं, और यदि मैं इन कीटनाशकों को जीवनाशी कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जीवन को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। हमारे लिए भी ये बहुत हानिकारक हैं, कीटों की रोकथाम के साथ साथ ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनको हमें जब भी प्रयोग में लाना है तो हमें ये ख्याल में रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन सा कीटनाशक प्रयोग में कर रहे हैं और उसका हम सही समय पे छिड़काव करें। मैं आपको बात बता रहा था इकोनॉमिक इंजरी लेवल की, तो हम उस वक्त इसको प्रयोग में करें जब इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे हमारे कीटनाशक पहुंचने वाले हों। उससे पहले हमारा नीचे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उस टाइम हम स्प्रे कर देते हैं ताकि वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक हमारे कीट ना पहुंचे और हमारे को वो नुकसान ना पहुंचाए। कभी भी कीड़े के आने से पहले स्प्रे नहीं करें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, आप कभी सुबह उठ के एकदम एक बुखार की गोली, एक सिरदर्द की गोली, एक पेट दर्द की गोली खा के नहीं निकलते कि हमें दिन भर ये बीमारियां ना हो। जब हमें वो दर्द होती है उसी वक्त हम गोली खाते हैं। उसी वक्त जब एक कीट अपने इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल से ऊपर, उस मापक क्षमता से ऊपर आपको खेत में मिले तो उसी वक्त आप स्प्रे करें, और सिर्फ CIBRC द्वारा अनुमोदित कीटनाशक ही आप इस्तेमाल करें। एक और हमारे जो टर्म यूज होती है वो है वेटिंग पीरियड, मतलब हमें कितने वक्त तक आखिरी स्प्रे से लेकर तुड़ान तक कितना इंतजार करना है, वो भी CIBRC ने अपने अनुमोदन में कि कौन सा कीटनाशक प्रयोग करना है, किस कीड़े के खिलाफ आपने वो प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और आखिरी स्प्रे से तुड़ान के बीच में आपको कितना गैप रखना है, वो सब उसमें आपको दिया हुआ मिलेगा। उसको हमें पूरी तरह से अपने साथ फॉलो करना है ताकि हमारे फल या सब्जी में अवशेषों की कोई समस्या ना रहे। ये वेटिंग पीरियड को फॉलो करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करूं सुरक्षित तरीके से हम किस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ जो मेरे साथी खड़े हुए हैं उन्होंने किस तरह से अपने लिए, अपनी रक्षा के लिए रक्षात्मक उपकरण या प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट्स या अप्लायंसेस या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग डाल रखी है। डॉक्टर गगन देखिए अभी आपको घोल बना के दिखाएंगे किस तरह से हम लोग घोल बनाएंगे और अपने को सुरक्षित भी रखेंगे। हम लोग यहाँ पे इस टब में 10 लीटर पानी हमने डाला है जिसमें हम एक दवाई क्लोरपाइरीफॉस का घोल बना रहे हैं। 10 लीटर में हमें 20 मिलीलीटर ये क्लोरपाइरीफॉस डालना है जो कि अभी आप इसमें देखेंगे किस तरह से इसको मिलाना है। सुरक्षित ढंग से दस्ताने पहन के ताकि आपके हाथ पे ये कीटनाशक ना गिरे आपको ये मिलाना है, क्योंकि जो कीटनाशक है हमारे स्किन हमारी चमड़ी में मौजूद छिद्रों से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके लिए हमें अपना बचाव करना है ताकि वो हमारे शरीर में प्रवेश ना करें। ये देखिए इन्होंने इस ट्यूब में पूरा 20 ml ले लिया है। 20 ml को ये 10 लीटर पानी में डालेंगे क्योंकि हम जिस फसल पे ये स्प्रे करने वाले हैं उसमें अनुमोदित है 2 ml पर लीटर, मतलब 10 लीटर में 20 मिलीलीटर। अब जो अच्छी तरह से ये ट्यूब से आपने इसको निकाल लेना है ताकि बिल्कुल भी कीटनाशक ट्यूब में ना रहे। उसके बाद एक लंबा डंडा लेके उसको अच्छे से घोल लेना है। ख्याल ये रखना है कि वो इसमें से उछले ना ताकि आपके मुंह पे आंखों पे या कहीं ना गिरे। आपने अपने सुरक्षा उपकरण तो पहन के ही रखने हैं। अच्छी तरह घोलने के बाद इसको हम सुरक्षा के साथ पंप में डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से अपनी रक्षा के लिए इन्होंने पूरा क्लोथिंग पहन रखी है। इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, चश्मा लगाया है, सिर पे टोपी पहनी है और आगे ताकि कोई भी कीटनाशक इनके ऊपर ना गिरे, इनको नुकसान ना पहुंचा सके, उसके लिए इन्होंने अपने उपकरण पहन रखे हैं। ये उपकरण बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास उपकरण ना हो तो भी ख्याल रखें कि आप स्प्रे करती बार पूरी बाजू की कमीज पहने, मुंह को किसी गमछे से या कपड़े से ढक लें, सिर पे कोई कपड़ा या कोई दूसरी टोपी पहन लें, आंखों पे कोई घर में गॉगल पड़ी हो उसको लगा लें, हाथों में कोई दस्ताने मिल सके तो उनको पहन लें। और मैंने जैसे आपको बताया सुबह के समय या शाम के समय ही आप स्प्रे करें। अब देखिए उसको अच्छी तरह घोलने के बाद ये दोबारा से इसके अंदर प्रेशर से इसको घोल रहे हैं ताकि ये कीटनाशक अच्छी तरह से मिल जाए। इसके अच्छी तरह मिलने के बाद हमें इसको बंद कर देना है और बंद करने के बाद जिस व्यक्ति ने ये प्रोटेक्टिव क्लोथ पहन रखे हैं या अपनी सुरक्षा के लिए कवच धारण किया हुआ है वही इसको अच्छे से खेत में जाके स्प्रे करेगा। ये सब उपाय हमारी सुरक्षा के लिए हैं जिनको हम अगर अपने आचरण में लाएंगे तो हम अपनी सुरक्षा इन कीटनाशकों से अच्छी तरह से कर सकेंगे। अब अगर हम इन कीटनाशकों को अच्छे से स्प्रे ना करें तो उससे होने वाले नुकसान के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने ज़्यादा मात्रा में स्प्रे किया तो उसके अवशेष हमारे भोजन में रह जाएंगे जो कि अलग अलग बीमारियां कर सकते हैं। आपको हम इन अवशेषों के कैसे हम जाँच करते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। उसके अलावा हमारे पर्यावरण को दूषित करेंगे, पानी, फसलें हमारी प्रदूषित हो जाएंगी, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं DDT जो आज से करीब 30 साल पहले एक कीटनाशक बैन हो चुका है उसके अवशेष हमारे को 2015 में भी हमारे ही विश्वविद्यालय की एक रिसर्च में माँ के दूध में मिले थे। तो कितने हानिकारक ये कीटनाशक हो सकते हैं इस बात से आपको जानकारी लग सकती है। तो इन सब उपायों को ध्यान में रखते हुए CIBRC द्वारा अनुमोदित कीटनाशकों का प्रयोग करें। CIBRC द्वारा अनुमोदित उनकी जो मात्रा है उसमें ही इनका प्रयोग करें और वेटिंग पीरियड जो मैंने आपको बताया उसका उपयोग में लाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके किसी भी भोजन चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो उसमें किसी भी तरह के अवशेष बाकी ना रह जाएं। अगर आप इस तरह से कीटनाशकों को प्रयोग में लाएंगे तो आप अपनी सुरक्षा तो निश्चित करेंगे ही, अपने फसल की गुणवत्ता को भी आप सुनिश्चित करेंगे और जो उसको खाने वाले उपभोक्ता हैं उनकी सुरक्षा को भी आप सुनिश्चित करेंगे।